हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू फाइव, देन पी ए अपॉन बी इक्वल टू पी बी अपॉन ए। देन यहां पर फोर ऑप्शन गिवन है, ए बी सी एंड डी, और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पे हमें दे रखा है पी ए अपॉन बी इक्वल टू पी बी अपॉन ए। अगर हम इनका फॉर्मूला पुट करें तो पी ए अपॉन बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी ए अपॉन पी ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह पी बी का कितना हो जाएगा, पी बी अपॉन पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए इधर भी पी ए इंटरसेक्शन बी है, इधर भी पी ए इंटरसेक्शन बी है, और क्वेश्चन में गिवन है कि ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू फाइव, तो ये दोनों तो हट जाएंगे। तो बचेगा क्या, पी ए इक्वल टू पी बी, जो कि हमें मिल रहा है ऑप्शन बी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।